भाई इंडिया के बाद ही देखो, इंडिया से बहुत प्यार आता है यार वीडियोस पे। इंडिया के मेरे सबसे ज्यादा ऑडियंस ही इंडिया की, अगर आप कहोगे ना मेरी कोई 8% पाकिस्तान से होगी अच्छा। मेरी कोई 8% ऑडियंस पाकिस्तान से होगी, बाकी सारी इंडियन ऑडियंस है, और वो ऑडियंस इतनी को मजेदार है। इंडिया की ऑडियंस ज्यादा करती है, अगर हम बात करें नॉलेजेबल वीडियोस की तो वो इंडिया में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है हमारी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत अगर हम बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा अच्छी भी है। इंडियन कंटेंट वाले और इंडियन ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ना जज बड़े अच्छे तरीके से करती है और आपको बताती है कि अगर आपकी मिस्टेक्स है तो कहाँ पे मिस्टेक है। इंडियन ऑडियंस है ना वो यूट्यूब को ज्यादा जो है एक तो ज्यादा करते हैं और सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान में कोई छोटी से छोटी खबर आती है ना वो इतना बड़ा कर देते हैं, मीडिया इतना बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, इंडिया में ये चीज है कि इंडिया वाले जो है ना वो पाकिस्तान के इंगेज बात करते हैं। अगर ये दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूबर भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या सोचते हैं, जिनको आप देखते हो, चलिए उनसे जानते हैं। आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं कुछ यूट्यूबर से, उनसे ये पूछूंगा कि इंडिया के यूट्यूबर्स में और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में क्या फर्क है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम शेख। अनम शेख, मैं तो जानता हूँ आप कितने अरसे से, मुझे ये बताएं यूट्यूब पे काम कर रही हैं। वन ईयर हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि एज ए यूट्यूबर आप पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस में क्या फ़र्क देखती हैं तो आप क्या जवाब देंगे? एक्चुअली बात पता क्या है, पाकिस्तान इंडिया का ज़्यादा मसला ये है कि वो इस तरह की मतलब खबरों को ज़्यादा उछालते नहीं है। बींग पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई छोटी से छोटी खबर आती है ना वो इतना बड़ा कर देते हैं, मीडिया इतना बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया वाले जो है ना वो पाकिस्तान के इंगेज बात करते हैं। अगर ये आपसे मैं पूछूँ कि इंडिया वाले, इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा प्रमोट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? इंडिया। इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा देखती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तान? इंडिया। सपोर्ट कौन करती है? इंडिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आप सुनाए। मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। ये बताएं कि ये पकड़ा हुआ है मोबाइल शोबाइल स्टैंड क्या कर रहे हैं? यार मैं भी आपकी तरह छोटा मोटा एंकर हूँ, मैं चींटियों के लिए एंकरिंग। मैं छोटा मोटा तो नहीं, मैं तो बड़ा एंकर हूँ भाई। मैं छोटा हूँ, मैं जितना मर्जी हो जाऊँ मैं छोटा ही रहूंगा यार। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर करने आया था यार, अपना शो करने आया था, व्लॉगिंग करता हूँ मैं। उसके बाद ये इंडिया के ऑडियंस के लिए मैं प्यार भरे मैसेजेस यहाँ से भिजवाता हूँ। मेरा क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एज ए यूट्यूबर इंडिया ज्यादा सपोर्ट करता है यूट्यूब को, यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? भाई इंडिया के बाद ही देखो, इंडिया से बहुत प्यार आता है यार वीडियोस पे। इंडिया के मेरे सबसे ज्यादा ऑडियंस ही इंडिया की, अगर आप कहोगे ना मेरी कोई 8% पाकिस्तान से होगी मेरी कोई 8% ऑडियंस पाकिस्तान से होगी, बाकी सारी इंडियन ऑडियंस है, और वो ऑडियंस इतनी को मजेदार है, जो भी आप करते हो ना उसका फीडबैक भी मिलता है आपको कि यार आप ऐसे कर रहे हो, यहाँ पर सही कर रहे हो, यहाँ पर आपको ये चीज ठीक करने की जरूरत है। सब्सक्राइबर्स भी आते हैं इंडिया से? हाँ यार सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा आते हैं या इंडिया से? इंडिया से ऑफकोर्स इंडिया से ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज्यादा, लोग देखते हैं, लोग यूट्यूब को ज्यादा लाइक करते हैं। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है यूट्यूब के बारे में जितनी इंडियन को है। ठीक है, कोई मैसेज इंडियन यूट्यूबर्स को या इंडियन ऑडियंस को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा यार, लव यू हो गया, यही इसी तरह प्यार बरकरार रखें ताकि हम आपके लिए प्यारी प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी वीडियो आपके लाते रहें आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा, आप इन्हें कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे देखते ही होंगे। निमरा एज ए यूट्यूबर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आप भी एक यूट्यूबर हैं, मुझे ये बताएं कि इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा करती है, अगर हम बात करें नॉलेजेबल वीडियोस की तो वो इंडिया में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है हमारी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत अगर हम बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा अच्छी भी है और ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम कोई जो पढ़ी लिखी वीडियो डालेंगे, कोई लॉजिक वीडियो डालेंगे, तो वो ज़्यादातर व्यूज़ जो है वो इंडिया से ही आते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो थोड़े हार्ड आराम से होते हैं, वो बस सपोर्ट कौन करता है? अब आप पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, अच्छा। लेकिन आपके चैनल को अगर देखा जाए ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर, ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की है, ठीक अच्छा। है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी आप यूट्यूबर हैं और सपोर्ट आपको इंडिया वाले कर रहे हैं? हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरेटिव एनालिसिस। तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ ना, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन इंडिया ही क्यों कमेंट्स करता है, इंडिया से क्यों फॉलोवर, इंडिया से क्यों सब्सक्राइब? लॉजिकल हमारे टॉपिक्स लॉजिकल होते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा इंडियंस देखना पसंद करते हैं। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि ज्यादातर जो नॉलेजेबल जो होते हैं टॉपिक्स वो कौन देखता है, तो वो इंडियंस से देखते हैं। ऑब्वियसली यही बात है कि हमारे भी चैनल पे ज्यादातर व्यूज इंडिया से ही आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडियन ऑडियंस को कोई मैसेज? देखते रहो हमारा चैनल, ना छोड़ो भाई हमारे सब्सक्राइबर। हम लोग मैस कम्युनिकेशन में पढ़ते भी है कि हमें सबसे पहले जो टारगेट है वो ये होता है कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अगर इंडियन ऑडियंस की बात करें तो अगर मैं इंडियन कंटेंट डालूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो ऑडियंस आएगी वो इंडियन होगी, और अगर प्रैंक्स और पाकिस्तानी कंटेंट की बात तो पाकिस्तानी। पर एक बात ये सच है कि वो लोग जो है ना इंडियन कंटेंट वाले और इंडियन ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ना जज बड़े अच्छे तरीके से करती है और आपको बताती है कि अगर आपकी मिस्टेक्स है तो कहाँ पर मिस्टेक है, और अगर आप ठीक काम करें तो कहाँ पर ठीक काम करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस लिहाज से आई थिंक सो बेहतर है। पाकिस्तानी ऑडियंस तो बस वो कहती है मगर वो लत जो कोई चीज़ अच्छी लगी। ऑडियंस इवन ये भी कहती है कि
लोग क्या इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, इस तरह की बात? बिल्कुल ऐसी बात है, बट ये हकीकत बात है, वो लोग सपोर्ट भी ज़्यादा कर, जो चीज़ अच्छी है ना, ये चीज़ मुझे उनकी हमेशा शुरू से बहुत पसंद की, इंडियन की। मैंने बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट पे काम भी किया हुआ है, तो इंडियन कंटेंट पे काम करने से मुझे ये ज़रूर पता चला कि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई काम ठीक कर रहे हैं तो आपको लाजमी सपोर्ट करेंगे, और गलत कर रहे हैं ना तब भी वो आपको आपकी मिस्टेक बताएंगे, और अगर आप लोग मतलब कि कुछ भी नहीं कर रहे तब भी वो आपको बताएंगे। तो ये होता है कि सपोर्ट करने की बात होती है, इससे आपको पता होता है कि आपकी मिस्टेक से आपने इसको कवर करके काम करें। ओवरऑल आप ये कहना चाह रही हैं कि इंडियन ऑडियंस ज़्यादा अवेयरनेस रखती है और ज़्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कोई मैसेज देना चाहें आप इंडियन ऑडियंस को? यही कहना चाहूँगी कि देखें किसी की भी मेहनत को, अक्सर वो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, मैं यह ज़रूर कहना चाहूँ किसी की मेहनत को डिग्रेड नहीं करते, चाहे वो मैं हूँ, मेरे अलावा कितने भी लोग जितने भी सारे काम कर रहे हैं वो मेहनत करने आते हैं। यहाँ पे आके बोलना बहुत आसान होता है कैमरे से पीछे, यहाँ पे आके कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल काम है, जो शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा लगता था, अब तो नहीं लगता, तो लगता है बस मगर लग गया, चलो जी गया, तो वो ये बात है। तो इसलिए थोड़ा सा ना मतलब ख्याल रखना चाहिए, किसी की हो सकता है आपके एक कमेंट से किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए, किसी को बुरा लग जाए, और वो फिर आपके एक कमेंट से कोई मोटिवेट और दोबारा अच्छी वीडियो। बिल्कुल ऐसी बात है, तो मोटिवेशन भी कमेंट से होती है और डिग्रेड भी आप करते हैं, आप हर्ट भी हो सकता है, कोई हो सकता है सबसे काम करना छोड़ दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखे किया करें, बाकी वो बहुत अच्छा करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। आमना, ये मैंने सिर्फ ऑडियंस के लिए नाम पूछा है, मुझे तो पता है और शायद मेरे देखने वालों को भी पता हो कि ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का शो करती हैं, इनसे पूछते हैं कि एज ए, आपसे ये मैं क्वेश्चन करूँगा कि एज ए यूट्यूबर आप क्या समझती हैं इंडियन ऑडियंस ज़्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? देखिए पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना वो अभी दे आर स्टिल नॉट लाइक अप विद दैट मच यू नो विद यूट्यूब एज वेल, बिकॉज मेरे ख्याल में जो इंडियन ऑडियंस है ना वो यूट्यूब को ज़्यादा जो है एक तो वॉच ज़्यादा करते हैं और सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज एक तो उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हम पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते, हम ये बात कर रहे हैं कि आपके लेट्स सपोज अगर 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो उसके अंदर कितने सब्सक्राइबर इंडिया से होते हैं और कितने पाकिस्तान से होते हैं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाएं? हाँ तो फिर तो इंडियन ही है, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बना रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं, और लेकिन इंडियन बहुत सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को आपको। उसकी क्या वजह समझती हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट का मतलब है कि इंडिया के लिए भी वो वीडियो है और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन फिर उसकी क्या वजह है कि इंडियन ही देखते हैं, इंडियन ही कमेंट्स करते हैं, इंडियन ही सब्सक्राइब करते हैं? देखिए मेरे ख्याल में फॉर एग्जांपल इंडिया, क्योंकि इंडिया की बात की जा रही है और पाकिस्तान से की जा रही है तो वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मेरे ख्याल में जो इंडिया, हमारे यहाँ के जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम जो चैनल देखा जाता है, उनका जो मैक्सिमम वॉच टाइम है वो जो है वहीं से है, इंडिया से ही है, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में यही जो चीज़ है ना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो। तो दोस्तों आपने देखा भाई वीडियो में कैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर बोल रही है, वो हमारे जो वीडियो पर व्यूज आते हैं भाई 90% इंडिया से आते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया से ही है, और भाई इंडियन कंटेंट जो हमारा चल रहा है पाकिस्तानी रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इंडिया की वजह से चल रहा है भाई, पाकिस्तान के तो हमारे 6-7% लोग ये वीडियोज देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास ना तो नेट है ना फोन है, और फोन है तो भाई रिचार्ज के पैसे नहीं है। तो भाई ये पाकिस्तान के यूट्यूबरों ने बताया अपने बारे में, मोस्टली यूट्यूबर्स कब जानते हो भाई साहब, इसमें सोए भाई है, एक आमना आदिल है, निमरा है डेली स्पेक से, तो भाई ये सब लोगों को आपने देखा इसमें वीडियो में, और निमरा अहमद भी जी इसमें अंदर। तो भाई उन्होंने बताया कि भाई जो हम कंटेंट बनाते हैं हम इंडिया के लिए ही बनाते हैं, इन पब्लिक के लिए बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक तो हमें मानने का दौड़ते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक हमारे इज्जत नहीं करते भाई, ये हमारी असलियत, हमें बड़ी परेशानी करनी पड़ती है इसके लिए। दोस्तों आप लोग भी रिएक्शन वीडियो देखते हो भाई, आपको किसकी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है पाकिस्तान से हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो बनने के लिए, बाय बाय, जय हिंद।